खुदावन यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम इमैनुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविजन। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रोग्राम आओ चले में। क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट एक इदारा है जो बहुत ही खूबसूरत काम कर रहा है और इस अमेजिंग वर्क में हम आपको शामिल करेंगे ताकि आप जान पाएँ कि हमारे लोग अपने लोगों के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप रिहैबिलिटेशन सेंटर भी कह सकते हैं और ये एक शेल्टर होम भी है जहां पर ऐसी तबाहशुदा जिंदगियों को लेकर आया जाता है जो कि माशरे का और हमारे अपनों का और गैरों का सबका मिलकर निशाना बनते हैं, उनके जुल्म सितम का निशाना बनते हैं और हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये एक बात है और क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है हम आज ये जानेंगे। तो आइए मिलते हैं क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट के कुछ लोगों से। व्यूअर्स, क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट से हमारे साथ रमा खोखर मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बात करते हैं। थैंक यू सो मच रमा फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए और हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया और हमें ये चांस दिया कि हम अपनी आवाज़ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप तक पहुँचाएँ और आपके ज़रिए और लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। और ये बी द लाइट टेलीविज़न के लिए एक एजाज़ की बात है कि हम अपने सितारों को अपनी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढते हैं और फिर उनको प्रमोट भी करते हैं क्योंकि वो ठीक काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना चलें। रमा, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो रहे हैं और मैं एज अ डाटा ऑर्गेनाइज़र काम करती हूँ। इसी के साथ साथ स्टोरी राइटिंग और रिपोर्टिंग का भी मेरा काम है और सर्वाइवर्स और विक्टिम्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है मेरा। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने अभी बात की कि सर्वाइवर्स और विक्टिम्स के साथ आपका डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप देखती होंगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, एम्प्लॉयर से भी और सारे लोगों से। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप ये जो सारा काम है, इदारा जो काम कर रहा है, जिस तरह वो सर्व कर रहा है अपनी कैपेसिटी में, आप इससे मुतमईन हैं? जी ऑफकोर्स। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो आई थिंक अगर मैं CTS के साथ काम कर रही हूँ तो ये CTS का काम है जो वो बहुत पैशनेट है और CTS ये नहीं देखता कि हम अगर हमारे ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए हैं तो हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी सर्वाइवर्स के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे या कोई अगर हमें अप्रोच करता है तो हम उसको नेक्स्ट डे की ऑप्शन देंगे। हम हमारी टीम, जैसे कि लीगल डिपार्टमेंट है हमारा, हमारे बॉसेस हैं मैम कैथरीन सपना, सर आशीष सरफराज, वो ऑन द स्पॉट उस जगह पे या उस इंसिडेंट के प्लेस पे या किसी सर्वाइवर को या विक्टिम को जहाँ भी ज़रूरत होती है वो ऑन द स्पॉट वहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कहते हैं कि दूर का इलाका है तो आज जाने की ज़रूरत क्या है या कल चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम वहाँ पे मतलब अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। दैट्स ग्रेट। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन द राइट टाइम, क्योंकि जब कोई दुखी होता है तो वो वेट ना करना चाहता है ना कर सकता है और ये बहुत खूबसूरत बात है अगर हम राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करें। और हमें बड़ी खुशी हुई है रमा आपसे मिलकर और आपके इदारे से मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ एक सिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी स्टोरी भी बहुत तकलीफ दे है, हम इनसे बात करते हैं। CTS में ये हमारे साथ हैं और इनकी ज़िंदगी को CTS ने कैसे क्योर किया हम इनसे जानते हैं। कैसे हैं सिस्टर? जी शुक्र है खुदा का मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए आप कितना अर्सा पहले यहाँ आए? मुझे तकरीबन 8-9 माह हो गए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं बहुत एक पेनफुल सिचुएशन में थी, मतलब उस टाइम मेरे पास कोई सहारा कोई आसरा नहीं था। तो मुझे किसी ने CTS का रेफरेंस दिया था तो मैं यहाँ पे
अपना केस लेके आई थी। अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ था कि आप शेयर करना चाहेंगे और CTS ने कैसे आपकी हेल्प की? जी ज़रूर, मैं यहाँ पे आई थी कि मेरा खुला का केस था। मेरे पहले भी मैं डिवोर्स थी, तो मेरा किसी ने रेप किया था। पापा के फ्रेंड थे, जानने वाले थे हमारे, उन्होंने मेरा रेप किया। और आपके घर आते थे? बहुत कम। ठीक है, पापा। ओके, तो वो किस कम्युनिटी से थे? अक्सरियत कम्युनिटी से थे? मुस्लिम कम्युनिटी से थे। तो उन्होंने रेप किया और फिर वीडियो बना ली थी और उससे टॉर्चर करते थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तंग किया हुआ था। तो उस वीडियो की बना पे उन्होंने नकाह किया मेरे साथ, नकाह करके। तो फिर भी उन्होंने तंग करना नहीं छोड़ा था, इरिटेट रखते थे। तब फुल जो ज़्यादती वाला सिस्टम होता है ना, उन्होंने वो रखा हुआ था। उसी दौरान उन्होंने मेरे 3 अबॉर्शन भी करवाए थे, मतलब उन्होंने अपनी बीवी से छुपा के मेरे साथ नकाह किया था। तो इस वजह से मैं उससे ना बस किसी तरीके से जान छुड़वाना चाहती थी, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और घर वालों को भी नहीं, मेरे घर वालों को नहीं था पता, उनसे भी उनको भी बता नहीं सकती थी क्योंकि मैं पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो जब मैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे CTS का बताया, मैं यहाँ पे आई, मैंने अपना केस बताया, तो इन्होंने मेरी फ्री लीगल एड प्रोवाइड की मुझे। मुझे साइकोथेरेपी देते रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, क्योंकि बच्चे भी छोड़ के आई हुई थी अपने मामा के पास और किसी को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे फ्री लीगल एड के साथ मुझे साइकोथेरेपी भी दिलवाई। डॉक्टर आती नहीं है, वो मुझे साइको सेशन देती रही हैं। उसके बाद साथ साथ मेरा केस चलता रहा। तो उस ड्यूरेशन में मेरा टाइम ना वेस्ट हो, इनके पास स्किल्स थे सिखाने के लिए, तो वो स्किल्स मैंने, स्किल डेवलपमेंट में मैं आई। मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया यहाँ पे, तकरीबन मुझे 9 माह हो गए ब्यूटीशियन का कोर्स करते हुए। मैंने अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं किया किसी के भी, मतलब अंडर आके प्रेशराइज होके मैंने अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं किया। मुझे ये था कि मैं चलूँ, मैं कंटिन्यू रखूँ अपने आप को, मैं खुद को स्टॉप नहीं करना चाहती किसी भी सिचुएशन में। तो इन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए दिया, सब कुछ किया इन्होंने मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मेरे लिए एक स्किल डेवलपमेंट कर दी है, मुझे एक स्किल सिखा दिया, हुनर सिखा दिया कि मैं मोहताजी नहीं ले सकती किसी की। ज़बरदस्त। और आपने जो स्टोरी बयान की, बहुत तकलीफ़ दे है, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा जुल्म हो, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अब आपने कुछ सीखा है और अब आप अपने बच्चों की अच्छे से कफालत कर सकती हैं। आप मुतमईन हैं? जी, मैं सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर। सिस्टर, आप यहाँ पर कब से हैं? और आपके चेहरे से भी महसूस हो रहा है आप बहुत कम उम्र में यहाँ पे आए हैं, आपकी क्या स्टोरी? मैं यहाँ पे 1 साल से हूँ और मेरी स्टोरी ये है कि हमारा झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी झगड़ा हुआ उनके साथ, तो वो ऐसे हमने मकान चेंज कर दिया। किससे झगड़ा हुआ था? हमारा झगड़ा वहाँ पे मोहल्ले में एक लड़का था अब्बास, उसके साथ हुआ था झगड़ा, मेरे भाई का। तो उसके साथ झगड़ा हुआ था, तो उसने भाई को मारा, तो फिर मामा और पापा गए, तो उन काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया, बढ़ गया। तो वो मुस्लिम थे, तो ऐसे ही झगड़े होते रहे फिर हम लोगों ने मकान चेंज कर दिया कि रोज़ रोज़ अब कौन लड़े। तो उसके बाद हमने मकान चेंज कर दिया, तो वो उधर मामा भी जॉब पे होती हैं और पापा भी जॉब पे होते हैं, और मैं और मेरा छोटा भाई सिर्फ घर होते हैं। तो इतने में वो, उसने जो लड़का जिसका लड़ाई थी ना, तो वो दीवार फिलांग के आ गया हमारे घर। तो मैं छत पे अकेली थी, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो उसके बाद मैंने शोर डाला, तो मोहल्ले वाले सब आ गए, तो फिर वो भाग गया था। बस इतनी स्टोरी है मेरी। बहुत शुक्रिया। खुदा, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा आपको तसल्ली दे और आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें हो रही हैं, आपको स्किल्स सिखाई जा रही हैं, ताकि आप लोग जब यहाँ से जाएं तो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। इट्स वंडरफुल। आप इस सारी चीज़ से खुश हैं कि आपको कुछ हुनर मिल रहा है यहाँ? जी, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, स्टिचिंग सीखने को मिल रही है, फिर पोलर का सीखने को मिल रहा है, तो हम दिल से सीख रहे हैं और हमें आ भी रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि मैं जी।
ज़बरदस्त, और आप जैसे बहादुर लोगों के जो है वो खुदा भी मदद करता है, दैट्स वंडरफुल, खुदावंद आपके साथ हो, थैंक यू। वीवर्स, यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे विक्टम्स हैं, और ये बच्ची भी हमारे साथ हैं। आप मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पर कितनी देर से हैं? मुझे तकरीबन 4 मंथ हो जाने लगे हैं इधर, और ये था कि क्या हुआ था, मैं नर्सिंग स्टूडेंट थी और वहाँ पे एक लड़के ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और मुझे काफ़ी फोर्स भी किया था। तो ये फिर उसके बाद ये था कि मैंने यहाँ पे बताया कि मेरे साथ इस तरह हो रहा है, तो ये था कि CTS की टीम ने मेरी काफ़ी हेल्प की और मुझे 4 माह हो गया, मुझे इंसाफ भी मिला और मैं अब यहाँ पे खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, आपको इंसाफ कैसे मिला? अभी तो 4 मंथ्स हुए हैं, तो इन्होंने क्या आपके लिए किया? इन्होंने ये था कि मैं तकरीबन 1.5 साल से इस मुसीबत में थी कि मुझे फोर्स बार बार किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, बार बार किया जा रहा था, और मैं किसी को बता नहीं थी रही। तो ये था मेरी इस जगह पे जो थे वो मेरे मामू भी काम करते थे, फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके उनको बताया, उनसे मैंने बात शेयर की, तो इन्होंने फिर मुझे इंसाफ दिलाया, इधर मैं आई, इन्होंने मेरी सारी बात सुनी और मुझे इस चीज़ से निकाला कि अब तुम ब्लैकमेल नहीं होगी। और आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या हम जब इतनी देर तक तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं तो वही हिम्मत ही है जो आप पहले कर सकते थे, लेकिन आप इसमें क्या देखते हैं कि CTS का, क्योंकि आपको पता शायद देर से लगा? जी, मुझे बाद में इस चीज़ का पता चला था और जैसे मुझे पता चला मैंने इनसे हेल्प ली और इन्होंने मेरी हेल्प की। यू वेरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी सारी चीज़ों में, क्योंकि क्विक डिसीजन लेना, अपनी जंग लड़ना आप जो हम खुद कर सकते हैं, क्विक डिसीजन लेना भी हमारा ये इस अपनी जंग लड़ने के लिए एक अहम कदम है। आपकी हम आपके लिए दुआगो हैं, खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी में जितना नुकसान हुआ है खुदा उसमें उसको ख़त्म करे और आपको तरक्की के रास्तों पर चलाए। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच, वेलकम। हमारे साथ एक ऐसी बच्ची मौजूद है जो देखने में भी छोटी एज की लग रही हैं और हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। जब मैं इन बच्चियों से बात कर रही थी तो मेरी खुद अपनी हालत जो है वो ऐसी हो जाती है कि क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी जान पर ये सारा दुख सहा है और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। बच्चे, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से हैं? 3 महीने हो गए। ये बताइए कि आप जब से यहाँ पर आए हैं आपको क्या महसूस हुआ, आपकी क्या स्टोरी है, मुख्तसर बताएं। और फिर हम ना एक जगह पर रहते थे शेखुपुरा रंजीत कोट, तो वहाँ पर एक लड़का था जो कहता था मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, तो मैंने मना कर दिया था फ्रेंडशिप करने से। तो फिर काफ़ी उसने टॉर्चर वगैरह किया, ब्लैकमेल मुझे किया, तो इस वजह से ना हमने वहाँ से जगह चेंज कर दी थी। लेकिन उसे मेरे एड्रेस का पता था और उसने और उसके साथ कुछ और लोग थे, उन्होंने मिलकर मुझे किडनैप कर लिया था। तो इस वजह से फिर उन्होंने मेरे साथ, उस लड़के ने जातियाँ वगैरह भी करता रहा है, तो 3 महीने उसने मुझे अपने पास रखा है। तो उसके बाद वो जब वहाँ पर आए हैं तो मैं किसी तरीके से वहाँ से भाग करना तो अपने बाबा के पास गई हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने बाबा को सब कुछ बताया तो मेरे बाबा ने फिर ये सब करवाया, तो उस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। ये बताइए कि अब आप जब यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि आप सेटिस्फाई हैं इनके सारे माहौल से? जी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रह के। तो अपनी लाइफ जो मतलब कभी सोचते थे कि नहीं अब आगे लाइफ जीनी नहीं और शुरू करनी नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें एक और मौका मिला है, नई ज़िंदगी मिली है जिसे हम अब जिएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है अब यहाँ पर। आप यहाँ पर कुछ काम भी सीख रहे हैं? जी, स्टिचिंग का काम सीख रही हूँ मैं।
ग्रेट, तो फिर आप हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आप हमें कुछ अच्छे अच्छे कपड़े सिलाई करके दें। जी बिल्कुल। और आप, मैं आपको सलूट करती हूँ, हम BTL TV आपको सलूट करता है कि आप इतनी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि खुदावंद ज़रूर आपके साथ है और कामयाब करेगा। जी थैंक यू। जी आप यहाँ पर कितने अरसे से हैं? एक साल से। और क्या आप चाहेंगे कि जो आपके साथ हुआ वो हम जान पाएं? जी मैं 26 तारीख को स्कूल नहीं थी गई, मैं दोपहर को 3 बजे अपनी दोस्त से काम लेने गई थी, तो उधर 2 लड़के खड़े हुए थे। जब मैं उनके घर से बाहर आई तो उन्होंने मुझे घर के अंदर धकेल लिया था, और उन्होंने बोला था कि तूने शोर नहीं करना, हम तुम्हें मार देंगे। मैंने उन्हें बोला था कि मुझे छोड़ दो, मैं कहते हैं नहीं हमने तुझे छोड़ना नहीं है। उनके घर में एक औरत भी मौजूद थी, मैंने इनको बोला था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वो कहते हैं नहीं तूने शोर डाला ना तो हमने तुझे मार देना है। तो फिर मुझे अंदर बंद रूम में करके तो चले गए थे कहीं, तो मैंने इनसे जो लड़की थी ना घर में, मैंने इनको बोला था कि मुझे छोड़ दे प्लीज़, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान होते होंगे। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, वो कहते हैं उन्होंने बोल के गए कि नहीं तूने दरवाज़ा खोलना। तो फिर नाम सुबह होते ही मुझे नामलूम जगह पे ले गए थे, पहले लड़के ने मेरे साथ ज्यादती की थी। फिर आप वहाँ से कैसे निकले? उसके बहनों ही नहीं थे माने रखने के लिए, उसके बहनों ही ने बोला था कि नहीं मैं इसके दादा अब को जानता हूँ, मैं इसके अब्बू को जानता हूँ, नहीं इसे वापस छोड़ के, फिर वो वापस छोड़ने आया था। उसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह फिर किया आप लोगों ने? जी। अभी उसको कोई सज़ा मिली है? नहीं अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली उसको? वो पकड़ा ही नहीं गया, कहीं फरार हो गया। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर जब से आए हैं आप कुछ सीख रहे हैं? जी मैं पॉलर का और स्टिचिंग का सीख रही हूँ। कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद? आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, कोई अचीवमेंट आपको महसूस होता है कि लाइफ में मुझे कुछ करना चाहिए, या कुछ हिम्मत मिली? मैं जब इधर आई हूँ मैं सीख रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूँ। जैसे मेरे मामा लोग खजल अखबार होते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कमा लें, लेकिन मैं उनके लिए स्टिचिंग का सीख के पॉलर का सीख के और उनका सहारा बनूँगी। ज़बरदस्त, आपकी बहुत अच्छी सोच है, और यही सोच आपको जो है वो आगे बढ़ने में और जो कुछ आपके साथ हुआ है उसको भूलने में और उसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। हम आप जैसे लोगों को जो इतने बहादुर हैं और ज़िंदगी में इतनी बहादुरी से आगे बढ़ते हैं, हम आपको सलूट करते हैं। आप बहुत बहादुर हैं, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको कामयाब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी वीवर्स, हम एक और बहादुर सिस्टर से मिलेंगे जो कि अपनी उस पुरानी ज़िंदगी से खुदा के फजल से आगे बढ़ चुकी हैं। सिस्टर आप मुझे ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं पॉलर की ट्रेनिंग करती हूँ। सही जी। और वीवर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जब हम यहाँ पर आए रिकॉर्डिंग करने तो इन्होंने मेरा भी बाकायदा मुझे पकड़ा और इन्होंने मेरा बड़ा अच्छा फेशियल किया, और आप बहुत अच्छा फेशियल करती हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ये बताइए कि आइंदा के लिए आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कि आइंदा आप क्या करेंगी? मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मेरा प्लान ये है कि मैंने ये काम सीखा है तो इसको आगे बढ़ाओ, मैं ये काम करना चाहती हूँ, इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। ज़बरदस्त, और ख़ुदा ने चाहा तो आप एक रोज़ अपने ब्यूटी सलून की मालिक होंगी, खुदा ने चाहा, और आगे आपके बहुत सारी पूरे मुल्क में ब्रांचेज होंगी। जी थैंक यू। मिस कैथरीन और सर आशर का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने हमें इतना हौसला दिया कि मैं आज सब कुछ भूल गई हूँ ना, तो उनकी वजह से भूल गई हूँ, अगर ना भूलती तो मैं आगे ना बढ़ती, मैं वहाँ पर ही रहती। बहुत खूबसूरत आपने बात की, जब हम पीछे ही मुड़ के देखते रहेंगे, उन तलख यादों को ही याद करते रहेंगे,
तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस खूबसूरत पैगाम के साथ हम ज़रूर इस पूरी टीम को, मिस कैथरीन को, आशर साहब को और इनकी पूरी टीम को इनकरेज करते हैं, इन सारी बहनों को इनकरेज करते हैं और अपनी उन बहनों को भी इनकरेज करते हैं, उन बेटियों को भी इनकरेज करते हैं जिनके साथ अगर कुछ ऐसा वाक्या हुआ है जो कि बहुत मुश्किल है फ़ेस करना। ऐसी सिचुएशन में इंसान जीने की ख्वाहिश छोड़ देता है। हम उनको इस पूरे जो प्लेटफॉर्म है उससे और BTL की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि ज़िंदगी आपका अभी भी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी खातिर अपनी जान दी थी और वो आपको आज भी प्यार करता है और आपके लिए हर रास्ते में खड़ा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा, CTS को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। व्यूअर्स, हमारे पास एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी मुझे पता चला कि आपको अभी अभी आपका जो स्टंट डला है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? वो अभी नीचे आई हूँ ना मैं, तो अभी दिल ना ऐसे घबराहट सी हो रही है मुझे। सही। तो वो फिर अभी काम से। जी कोई बात नहीं, और हमें खुशी है कि हमारी आज आपसे मुलाकात हुई, क्योंकि आप जैसे बहादुर लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पर खुश हैं? जी। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं, ये सारा कुछ अम्मी करती थी, किचन का काम वगैरह। जी, और हमारी मिस बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और सर भी हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। CTS के लिए आप क्या करना कहना चाहेंगे? ये आपके लिए एक अच्छी ज़िंदगी में संगे मिल की हैसियत रखता है आपको? आप इनका शुक्रिया बहुत अदा करती हूँ कि इतना अच्छा हो गया अरसा, इन्होंने हमें संभाला, हर तरह का हमारा ध्यान रखते हैं, हर तरह की खुशी का देते हैं, हमें परेशान नहीं होने, हम परेशान थे, इन्होंने हमें आसरा दिया। जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, और जितना भी हम करें ना इनके लिए उतना ही काम है। हाँ जी, हम इसके लिए ब्लेस करते हैं, इनको खुदावन बहुत बहुत बरकत दे। हाँ जी, और खुदा इनको बहुत सी तरक्की दे। और व्यूअर्स, हमें पता चला कि ये बाजी हमारे साथ 4 बरस से आप CTS के साथ हैं। इधर ही हूँ जी। तो हमारे ना मैं और मेरे मियाँ वो काम करते थे प्लम्बरी का, और मुसलमान हमारे पीछे लग गए थे, तो वो कह रहे थे आप मुस्लिम हो जाओ, लेकिन हम भागे ना, तो फिर इधर आए, किसी ने हमें बताया, हम भी इसके आए। जी वो कह रहे थे मुसलमान हो जाओ, लेकिन हम नहीं हुए, अपना मज़हब नहीं छोड़ा हमने। वो कह रहे थे दोनों मुसलमान हो जाओ, नहीं तो हम आपको मार देंगे, लेकिन अब हम अपनी जान बचा के ना तो इधर आ गए थे। जी खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि अभी जो खुदावंद ने मेरी जान बख्शी है, ऊपर खुदा है और नीचे मिस है, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना भी शुक्र करूँ ना मैं, उतना ही काम है। तो ये जो सांस चल रही है ना मेरी, ये इन्हीं की वजह से है, मैं ब्लेस करती हूँ इनको। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, हमने आज बहुत सारी स्टोरीज़ कवर की, और मैं चाहूँगी कि मैं इनको ज़रूर बताऊँ कि ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लड़ के कामयाब हुए हैं और आज ज़िंदगी की जंग में बड़े अच्छे मजबूती से दौड़ रहे हैं। और इसका सेहरा जो है वो CTS की टीम को जाता है, मिस कैथरीन को और आशर साहब को जाता है, और उनकी पूरी टीम को जो बेलॉस खिदमत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी हमें बताया गया कि इनके पास, इन्होंने जो स्टॉक में, कुछ लोग तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं मौजूद, स्टॉक में 50 लोगों का ऑलरेडी जो उनकी चीज़ें हैं, उनके कपड़े, उनके बिस्तर, उनके अरेंजमेंट्स किए हुए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ और हादसा हो और उनको यहाँ आना पड़े, तो ये टीम इनके पास ऐसा ना हो कि वो कहें कि हमारे पास आज टाइम नहीं है, बल्कि उन्होंने उनकी मदद के लिए वो पहले से रेडी हैं। हम खराज अकीदत पेश करते हैं, हम इनके लिए, हम इनको बरकत की दुआ देते हैं कि खुदा इनको कामयाब करे और ऐसे ही अपने लोगों की मदद करते रहें। लेकिन हम ये भी दुआ करते हैं कि खुदा करे
کہ ہمارے ملک میں سے یہ ساری درندگی ختم ہو جائے اور مائنورٹیز جو ہیں وہ خوشی کا اور سکون کا سانس لے سکیں اور اپنی آزادی کو انجوائے کر سکیں جو کہ آج وہ آزاد نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن۔ ویورز، آج ہم آپ کو پروگرام آؤ چلے میں سی ٹی ایس کے شیلٹر ہوم میں لائے ہیں، اور یہاں پر مجھے دلی طور پر خوشی محسوس ہوئی ہے جو بھی ہم لوگوں نے بات چیت کی ان سارے لوگوں سے، اس ٹیم سے، اور یہاں پر جو لوگ آباد ہیں اور اپنی ترقی کی جانب انہوں نے اپنا قدم اٹھایا ہے سی ٹی ایس کی ٹیم کے وسیلے سے۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں یہ ساری چیزیں بتاتے ہوئے۔ آپ نے یہاں پر ساری چیزوں کو دیکھیں گے، اور یہاں پر یہ شیلٹر ہوم ہے، بچیاں اور خواتین اور بچے یہاں پر رہتے بھی ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جو فیملیز کے ساتھ آئی ہیں، ان کے بچے یہاں پر ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پر ہنر بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ نے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں سلائی سینٹر ہے باقاعدہ، لوگوں کو، بچیوں کو سٹچنگ سکھائی جا رہی ہے، اور خوبصورت یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے بہت اچھے اچھے ڈیزائنز بنائے گئے ہیں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک آدھ فراک میں بھی یہاں سے بنوا کر ہی جاؤں۔ بہت خوبصورتی سے چیزوں کو ڈیزائن کیا گیا ہے، کلر کمبینیشن سب کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ پھر ہم بیوٹی سلون میں آئے، اور آپ پروگرام میں ضرور دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے مجھے بھی پکڑ کر میرا بھی میک اپ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بالکل اپنا خیال نہیں رکھتے، اور میں نے بہت ڈانٹ بھی کھائی ان لوگوں سے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا چاہیے اور کام کی مصروفیت سے اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ جتنی کیئر ان کی گئی ہے اسی طرح سے یہ دوسروں کے ساتھ بھی خوبصورتی سے اور اچھے رویے سے پیش آ رہے تھے۔ ہم نے یہاں پر ان لوگوں کو بھی دیکھا جو تربیت پا رہے ہیں بیوٹیشن بننے کی، اور بہت خوبصورتی سے میک اپ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھیں۔ ایک مجھے بات بہت زیادہ پسند آئی، اور وہ تھا ان کا اسکیڈول، ٹائم ٹیبل، کھانے کا مینیو کس روز کیا ہوگا، اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، بچے کیا پڑھیں گے، اس کی ساری سلیبس باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہے۔ او ٹی ایس سے یہاں پر تعلیم جاری ہے، اور ایک چھوٹی او ٹی ایس کی سیمنری ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورتی سے والز کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے جو کہ ان کی سٹوری بتاتی ہے، پکچرز ہیں جو کہ جو لوگ ان کو انکریج کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ونڈرفل، بہت ہی خوبصورت، اٹس امیزنگ۔ اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ہم شاید ہم سے چھوٹ جائیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ایک ڈسپلنڈ لائف ہے، اور باقاعدہ جو بیوٹیشن جو سیکھتی ہیں وہ کس روز کیا سیکھیں گی، کیسے سیکھیں گی، پورا پلانڈ ہے، ایک اسکیڈول پلانڈ ہے۔ اسٹچنگ روم میں کیا وہ سیکھیں گے، کون کون کتنے کتنے مہینے کا کیسے کورس کرے گا، باقاعدہ ٹائمنگس ہیں۔ ایسا نہیں کہ اچھا صبح اٹھ گئے اور دل چاہا تو کام کریے، نہیں، بڑے اچھے ڈسپلن طریقے سے یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ امید ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بھی پسند آئیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.